हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, मुस्कुराते हुए नए चेहरे के साथ आप सभी का दिन मुस्कुराता हुआ रहे। सो दोस्तों, अभी मैं नाश्ता कर चुका हूँ, बहुत तीखा सब्जी बना रहा, कान लग रहा है। तो अभी फिलहाल मैं निकलने वाला हूँ, पता है आप सबको कहाँ, वहीं एक ही जगह तो जाता हूँ सुबह सुबह उठ करके। तो फिलहाल अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी जाऊँगा, बाल बाल भी कटाऊँगा, दोबारा नहाऊँगा आज, तो कोई बात नहीं है। और चलते हैं, अभी मम्मी से भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि व्लॉग बन नहीं पाता है ना टाइम से। जब मैं स्कूल जाता हूँ शाम तक, वैसे ही मेरा टाइम निकल जाता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या व्लॉग शूट करूँ नहीं शूट करूँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये भी खड़ी है दरवाजा पे, ये देखो ये पता है क्यों खड़ी है, ये निगरानी कर रही है कि मैं व्लॉग बना के जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं बिना व्लॉग बनाए चला जाऊँगा तो ये भी व्लॉग नहीं बनाएंगे, इसलिए मेरे को व्लॉग बना के जाना जरूरी है। वहाँ जेरी निगरानी अलग कर रहा है, हमें अकेले नहीं देखना पसंद करते हैं, मतलब सिर्फ हम डालते हैं ना तो सब बोलते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इनका कहना है कि जा रहे हैं तो जाइए, पर ब्लॉग बनाकर जाइए। समझे, समझ में आया, समझ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो आप लोग। मीशो हॉल में डाल कर जाइए, मीशो हॉल आएगा शाम को। ये वाला कपड़ा दिखा, बाकी ये वाला कुर्ती आपको कैसा लग रहा है गाइस, आप लोग देख लो। इस पे क्या कपड़ा, क्या हुआ कपड़ा लगाया था, ये शीशा टूट गया तो इस पे कपड़ा, ये एक्चुअली गलत जगह अलमारी प्लेस हो गया। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रेस है ना, इसका ब्लू कलर का मनीषा ने पहना था, तब आप लोगों ने भर भर के खरीदा। इस ड्रेस को भी लेना होगा ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन किया हुआ है, आप इस ड्रेस को ले सकते हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस पर आपको मिल जाएगा। चलिए अभी चलते हैं मम्मी के पास। ये मम्मी खाना खा रही हैं सुबह 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 सुबह, क्या बात क्या बात, कुछ बोलिए तो। कुछ नहीं बोलेंगी, चलिए भाई खाने दिया जाए। इस रूम में अंधेरा कायम है अभी, और यहाँ पे फिलहाल अभी बाहर का काम हो रहा है। देखो गाइस, एक बाउंड्री जोड़ने में ये लगभग 6-7 दिन हो चुका है, क्योंकि बीम डला गया है, बीम नीचे डला गया है तो थोड़ा सा मजबूती आ जाएगा। बीम तो सही डलाया है भैया। चलो गाइस, तो काम वाम होते रहना चाहिए, कॉलोनी में थोड़ी सी रौनक बनी रहती है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा ना मुश्किल होता है काम करना, खास करके रोड के किनारे जब, वो यहाँ पे बहुत दिक्कत भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं है, सब सही हो जाएगा। तो चलो गाइस, अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, पापा भी यहाँ पे, सब लोग ऑफिस ऑफिस जाने के काम में लग रहे हैं। फाइनली वो तो चले गए हैं अपने स्कूल को देखने के लिए। अब सोच रहे हैं कि भाई हम, ये काम तो मुझे ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक हमने डाला हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मीशो हॉल दीदी लेके आओ। तो आज के ब्लॉग में देख रहे हैं कि दिखाएंगे कुछ अलग चीज़, और अभी चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पर मंगाए हुए मिठाई, ये सब कुछ ऐसा है। लेकिन हमको लग रहा था कि भाई आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए हम कुछ ला भी नहीं रहे थे, बट आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस देखने को मिलेगा। बस व्लॉग भी आ गए हैं इधर, और अभी थोड़ा एक एक करके ना पार्सल खोल लेते हैं हम लोग। बाकी आप लोग बने रहिए व्लॉग में, देख रही है काम जानता नहीं नीचे वा कभी नहीं। गाइस यहाँ पे ला दिए सब सामान, है मम्मी यहाँ देख रही है, ये वाला मम्मी निकाली हुई है, ये सजाने वाला है दीवार पे, बहुत ही सुंदर, इस पर छोटा छोटा फ्लावर पॉट आप लोग रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, सिर्फ 100 रुपये में आप लोग को ये मिल जाएगा, और इसके लिए आप लोग को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज मम्मी का लुक अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कलर का आज ड्रेस वेयर की है, हाँ आज ऊपर करके लगाई है तो अच्छा लगा, थोड़ा अलग कल तेरी बार, उसके बाद आज ये वाला। चलिए आप लोग दिखाते हैं एक एक करके, एक बहुत ही सुंदर सा सूट आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो नेक्स्ट है ना, इसका प्रिंट आप लोग देखिए कितना अच्छा है, और सामने फ्रंट में इसका जो डिज़ाइन है ना, ये भी बहुत ही सुंदर है, ये हमको लग रहा है सिल्क फैब्रिक है, देखिए तो हम, ये सिल्क है ना, ये सिल्क में है, और इसका इसमें आप लोग को ना अलग अलग साइज मिल जाएगा, इसका लेंथ भी बहुत अच्छा है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा, बाजू भी आप लोग देख रहे हैं कितना स्टाइलिश है, और इसके साथ पैंट दिया हुआ है, 3 पीस का सेट है, पैंट में भी अलग ही है, पीछे इलास्टिक लगा हुआ है और फ्रंट में कुछ ऐसा है, और साथ में यहाँ पर भी इसका लेस लगा हुआ है। तो आप लोग को अगर ये वाला सूट लेना है ना पर्पल कलर का, वैसे भी बहुत खिलता है, इसको जब पहनेंगे तो दिखाएंगे,
ये कलर जो है पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो इसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देंगे। सबसे अच्छा ना मुझे इसका दुपट्टा लगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप लोग कितना अच्छे से इस पर प्रिंट किया हुआ है फ्लावर का, कितना बड़ा और लॉन्ग दुपट्टा है। यहाँ साइड में ना टैसल्स भी लगे हुए हैं, तो इसको ऐसे ओढ़ेंगे ना तो और भी सुंदर लगेगा। पहन के ज़्यादा अच्छा दिखता है, कपड़ा समझ में ज़्यादा आता है और बहुत ही बड़ा है। मतलब दुकान पे इतने कम प्राइस में तो मिलना बहुत मुश्किल है। और मीशो पे भी ना अभी ऑफ़र चल रहा है तभी मिल रहा है, जैसे ही इसका ऑफ़र ख़त्म होगा दिवाली तक का, उसके बाद से ये सब चीज़ महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग को दिखा देते हैं बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा सूट, जो कि आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह का है। और इस पर बहुत अच्छा प्रिंट किया हुआ है ब्लैक कलर से, सामने फ्रंट में कुछ ऐसा डिज़ाइन है वी नेक का, और बाजू भी बहुत प्यारा है। तो इसको पहनेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे वीडियो में, बहुत मस्त है। ये वाइट कलर का है और वाइट कलर वैसे भी गर्मी के दिन में बहुत अच्छा होता है पहनना। तो इसके हाथ पे भी लेस लगा, और सबसे अच्छा ना इसका ये पैंट लगा, एकदम बिल्कुल लाइट वेट है, पहनने के बाद बिल्कुल इचिंग नहीं होने वाला है। इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है, प्योर कॉटन है, तो आप लोग ले सकते हैं। इसका भी लिंक हम दे देंगे। इसको पहन के आएंगे अभी थोड़ी देर में, तो आप लोग को दिखा देंगे अगले ब्लॉग में। बाकी एक ही करके आप लोग को दिखा रहे हैं। और ये है बहुत ही सुंदर सा, बहुत लोग ना आजकल क्या होता है कि ज्वेलरी पहनना पसंद तो करते हैं लेकिन कहीं आने जाने से डरते हैं, क्योंकि इतना चोरी ये सब कुछ हो जाता है ना, तो फिर डर लगता है। चाहे शादी ब्याह होता है तो अगर जिनके पास ज्वेलरी भी होता है ना, तो वो एक तरह का ज्वेलरी नहीं आजकल, तो सब लोग चाहता है कि अलग अलग ज्वेलरी पहने, तो वो लोग भी पहन सकते हैं। क्योंकि अभी आ गया है सेल, और मीशो पे जो सेल चल रहा है ना, तो इससे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ये ज्वेलरी जो कि आप लोग देख रहे हैं कितना मस्त है, ये जो है ना मंगलसूत्र का डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है, और इसको मैंने कितना बार वेयर भी किया हुआ है। तो इस टाइप का आप लोग को मिल जाएगा, इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और पहनने के बाद तो बिल्कुल मतलब पता नहीं लगेगा कि ये गोल्ड नहीं है, एकदम आर्टिफिशियल जैसा नहीं पता लगेगा, एकदम लगेगा कि गोल्ड ही पहने हैं। और इसके साथ बहुत ही सुंदर सा ये एक दिया हुआ है, ये तो एकदम असली लग रहा है। तो ये देखिए एकदम राधे राधे लिखा है, ऐसा ना शादी ब्याह में लोग अपनी बेटी को देते हैं मंगलसूत्र पहनने के लिए ना, हमें एक छोटा सा तिरता ना उस पर सुंदर लगा में, ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये तो ओरिजिनल एकदम लग रहा है रियल। इसको पहनने का पता ही नहीं चलेगा ऐसे पहनने तो, ये मीशो पर मिला है। हाँ, तो अगर आप सभी को चाहिए तो इसका आप लोग देख रहे हैं डिज़ाइन यहाँ से दिखा रहे, और यहाँ इसका इसके साथ इयररिंग भी मिला हुआ है, जो कि देख रहे हैं कितना सुंदर। इसका इयररिंग एकदम हैवी है, ऐसा ऐसा नहीं होगा। इसका रेट अभी सस्ता मिल रहा है, पहले 1100-1200 मिल रहा था, लेकिन अभी मिल रहा है 300-400 में मिल जा रहा है। हाँ, सस्ता सस्ता हो गया है ये सबसे। हाँ, सब मिले बहुत। उसका काम का कैसा? इसका ये ऐसे ही मिला हुआ है, कान का ये दूसरे कान का है। तो ये बहुत ही सुंदर है, आप लोग ले सकते हैं। अभी तो हम खुद देख रहे हैं ज्वेलरी सेट का कितना डाले हैं, देख रहे हैं सब सस्ता हो गया है, जो कि मार्केट में इतना महंगा मिलता है। खूबसूरत आपके जैसा इसमें लिखा है राधे कृष्णा डेली यूज, इस पर लिखा भी है डेली यूज, इसको डेली यूज के लिए पहन सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। तो जिनको भी चाहिए आप लोग ले सकते हैं। ये तो इसका ना जो पेंडेंट है ना बहुत अच्छा है, पेंडेंट है क्या लॉकेट है ये पेंडेंट है। तो इसको पहनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। तो इसमें का ना अगर और भी लेना है आप लोगों को तो इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ले लीजिएगा वहाँ से। बस शाम के टाइम हो गया, इतना सारा काम करते करते ना सिर में दर्द हो जाता है, इतना सब कुछ मैनेज करना। तो बस अभी कर लेते हैं थोड़ा तो चाय वाय पी लेते हैं मम्मी और हम, क्योंकि हम अकेले चाय पीते ही नहीं हैं कभी भी। चाय अगर मेरा मतलब विदाउट टाइम अगर मन नहीं करता है ना कि थोड़ा चाय बनाए, तो मम्मी से ज़रूर बोलते हैं मम्मी चाय पीजिएगा, तो वो बोलती है कि हाँ, तब जाके हम बनाते हैं, क्योंकि अकेले हमको अच्छा नहीं लगता है चाय पीना। तो चलिए
तो दोस्तों अभी हम आप लोग को दिखाते हैं बहुत ही मस्त ये वाला, और आप लोग देख रहे हैं इसका ना बाजू इतना सुंदर है यार, पहनने के बाद क्या लुक आएगा। ये तो मेरा फेवरेट बन गया है। और इसका बैग भी आप लोग देखिए बहुत ही स्टाइलिश है, प्लस ये पैडेड है सामने से, एंड इसका बाजू इतना सुंदर है ना। इसमें क्या करना है, इसको पहन के और इसको ऐसे लगा दो, पता है ऐसा ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे ना, सिर्फ यहाँ पे सिलवाने में ना बाजू का हमको लग रहा है कपड़ा से ब्लाउज सिलवाओगे तो आपको 400-500 रुपया देना पड़ता है। आपको अपना ब्लाउज भी देना पड़ता है, साथ में आपको उसका चार्ज भी देना पड़ता है, लेकिन और डर भी रहता है कि भाई पता नहीं कैसे सिलाएगा। लेकिन आप लोग ना रेडीमेड मंगवा सकते हैं, जो भी कलर आप लोग को लेना है ना आप मंगवा सकते हैं, मतलब नॉर्मली पहनने के लिए, और इसको यूज कर सकते हैं घर में भी पहनने के लिए या फिर कहीं आप जा रहे हैं तो। इसका लिंक अगर आप सभी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका भी प्राइस कम से कम 200-300 रुपया का ही होगा लगभग, इतना में तो आप सिलवाने में ही लगा देते हो। तो अगर आप सभी को चाहिए तो देर मत करिए, जल्दी से जाइए, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अभी बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत करना पड़ जा रहा है क्योंकि आप लोगों के लिए ब्लॉग लाना, फिर से शॉर्ट्स लाना, हर एक चीज़ करना, ऊपर से और भी इसके अलावा काम है, मेरा पेपर है तो उसका भी मेरे को भी तैयारी करना है 4 बजे के बाद से, क्योंकि अभी हम यहाँ पे हैं ससुराल में तो हमारे पास ना ही बुक है ना ही कोई नोट्स है, क्योंकि हमने नोट्स बनाया है लेकिन वो नोट्स ही नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मुझे नोट्स मांगना पड़ रहा है कॉल करके अपने दोस्तों से। वो तो मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ ही नहीं, और कॉल पे मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इतना ज़्यादा बिजी रह गई हूँ, ना ही मैं फ़ोन चला पा रही हूँ। तो बस मेरा काम यही है कि वीडियो डाल के और अपना जो भी काम हो रहा है वो सारा कुछ करना। ऑलरेडी टाइम बहुत कम है तो निकल जा रहा है, कैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। रात के 2-2 बजे तक काम करते हैं हम, इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं तब जाके ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ला पाते हैं। तो यही है, अभी एग्ज़ाम का तैयारी था मुझे करना, लेकिन अभी हमने नोट्स मांगा हुआ है कॉल करके, तो उन्होंने बोला है कि आपको नोट्स मिल जाएगा, और अभी मुझे फ़ोन पे भी देख के मंगाना है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, जो नोट्स अगर आप खुद से बनाते हो ना उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, किसी का दिया हुआ नोट्स से नहीं। और मुझे क्या है ना कि जब भी पेपर होता है ना तो मुझे अपने से बनाया हुआ नोट्स अच्छा लगता है। तो अपने दोस्तों से मांगा तो उन्होंने तो भेज दिया डेट शीट वगैरह, लेकिन नोट्स की बात आई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा भाई अब मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा में लिखूँगी ताकि जो भी हमारा पेपर चेकर ना उसको समझ आए, तो क्योंकि टीचर से बोलते हैं ना कि कभी भी आप पेपर लिखो ना तो आपको अपनी भाषा में लिखना चाहिए, और ऐसा लिखना चाहिए कि जो पेपर चेक करे ना उसको समझ में आए। तो बिल्कुल वैसा ही अब तैयारी करना है, और ये एग्ज़ाम मेरा बहुत मुश्किल से आया है और मुझे देने को अभी मौका मिला है, क्योंकि ये तो मेरा एग्ज़ाम था तो मुझे लग रहा था कि पिछले साल छूट गया था ये मेरा पेपर। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। बोल भी रहा बस ये बहुत इधर करना पड़ा पता नहीं क्यों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब करना, लगातार बोलते जा रहे हैं इसीलिए शायद दर्द हो रहा है। तो बाय बाय, लव यू ऑल।